वर्ल्ड की सबसे ज्यादा एडवांस स्पेस कंपनी कंसीडर की जाने वाली स्पेस एक्स को किसी बेकरी की जरूरत क्यों होगी? मे बी स्पेस एक्स अपने हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज के लिए डिलीशियस कुकीज बनाना चाहती है ताकि इलॉन अपने एम्प्लॉयज को हमेशा अपनी फैक्ट्रीज में ही रख सकें। सैडली नॉट, इस तरह की बेकरी कोई नॉर्मल बेकरी नहीं है क्योंकि स्पेस इंडस्ट्री में यूज की जाने वाली बेकरी की हेल्प से ही स्पेस एक्स अपने रॉकेट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम्स को मैन्युफैक्चर करने में इस्तेमाल करती है। मीनिंग स्पेस एक्स इस फैसिलिटी में स्पेस एक्स रॉकेट्स के लिए हीट शील्ड टायर्स को क्रिएट करती है। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि काफ़ी समय से स्पेस एक्स इस फैसिलिटी की लोकेशन काफ़ी हद तक सीक्रेट रखने की कोशिश करती आई है। बट नाउ कुछ र्यूमर्स के अकॉर्डिंग स्पेस एक्स की ये बेकरी 2019 से ही फ्लोरिडा केप कैनावरल में मौजूद है। फर्स्ट इस र्यूमर की डिस्कशन कुछ स्पेस एक्स फैंस ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर की जिसमें स्पेस एक्स के ट्रक्स को ऐसे ही फैसिलिटी के बाहर देखे जाने की बात की गई है। बट ये सभी बातें किसी भी स्पेस फैसिलिटी के एक्सटीरियर को देख अंदर हो रही चीज़ों का आइडिया नहीं देती जिस वजह से स्पेस एक्स के ऐसे ही फैसिलिटी का इंटीरियर 2020 तक एक मिस्ट्री बना रहा बिकॉज 2020 की स्पेस एक्स की ये फैसिलिटी एक वेयर हाउस की तरह दिखाई देती है। बट इस तरह का वेयर हाउस जिसमें केमिकल पाइप्स लगाए गए हैं जिसकी हेल्प से इस फैक्ट्री के वर्कर्स रॉकेट्स के लिए हीट शील्ड टायर्स क्रिएट कर रहे हैं जो वर्ल्ड के मोस्ट एडवांस रॉकेट्स में इस्तेमाल किया जाने वाला है। एंड मई 2020 में इस फैसिलिटी की इंस्पेक्शन की वजह से ही वर्ल्ड को स्पेस एक्स के इस हिडन बेकरी के बारे में पता चला। इंस्पेक्शन के अकॉर्डिंग स्पेस एक्स के इस फैक्ट्री में 20 लोगों का क्रू काम करता है जो हफ्ते के 3 शिफ्ट में इस 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक चलाई जाने वाली बेकरी में काम करते हैं जो नाउ ऑब्वियसली इंक्रीज हो गया है जिसका रीजन है स्पेस एक्स के रॉकेट्स का फर्स्ट ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट जिसमें इस बेकरी में बनाए गए हीट शील्ड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्टारशिप रॉकेट के फर्स्ट ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट के बारे में हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है कि कैसे स्पेस एक्स स्टारशिप को ना सिर्फ मार्स प्लैनेट को कोलोनाइज करने के लिए यूज करेगा बट अर्थ पर एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रेवल करने में भी। वीडियो का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग स्पेस एक्स की ये फैसिलिटी 40,000 स्क्वायर फुट एरिया में बनाई गई है जहां पर स्टारशिप के लिए हीट शील्ड टायर्स को बनाने का काम किया जा रहा है। बट ऐसे टायर्स को बनाने में स्पेस एक्स ऐसा क्या इस्तेमाल कर रही है जिसे 2020 से पहले अभी तक हिडन रखा गया? इस तरह के टायर्स को इस्तेमाल करने का फर्स्ट पर्पस होता है स्पेसशिप पर पड़ने वाले एक्सट्रीम टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करना एंड सेकेंड इस तरह की हीट शील्ड टायर्स का स्पेसशिप के मेन स्ट्रक्चर को भी स्पेस के एक्सट्रीम टेम्परेचर से बचाना जिसके लिए इस तरह के टायर्स को बनाने में लो थर्मल कंडक्टिविटी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले मटेरियल को इस्तेमाल किया जाता है। इवन इलॉन ने इस तरह के टायर्स को प्रिपेयर करने में इस्तेमाल किए जाने वाले मटेरियल में सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड को भी मेंशन किया है। बट सरप्राइजिंग बात यह है कि ऐसे एडवांस रॉकेट के इस्तेमाल के लिए बने ऐसे टायर्स काफी स्ट्रॉन्ग नहीं होते। इवन कहा जाता है कि स्पेसएक्स में यूज किए जाने वाले हीट शील्ड किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस के बॉक्स में आने वाले फॉर्म जितने ही स्ट्रॉन्ग होते हैं जिसमें 90% एयर एंड ओनली 10% सिलिका मौजूद होता है। इस तरह के इम्पॉर्टेंट मटेरियल में 90% एयर का मौजूद होना इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज हवा की थर्मल कंडक्टिविटी काफ़ी कम बताई जाती है एंड एयर लो थर्मल कंडक्टिविटी के साथ काफ़ी ज़्यादा हीट कैपेसिटी भी प्रोवाइड करता है जो किसी स्पेस शटल में यूज़ किए गए थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम के मटेरियल के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है जिसका 2300 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 1260 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर टेस्ट किया जाता है जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं जिसमें एक व्यक्ति इस तरह के एक्सट्रीम टेम्परेचर को रोकने के लिए यूज किए गए हीट शील्ड को अपने हाथों में पकड़ते हैं जो एक बार देखने पर CGI के इफेक्ट की तरह दिखाई देता है बट ऐसा नहीं है एंड ऐसा रियल में कर पाना इसलिए पॉसिबल है बिकॉज इस तरह के टाइल्स में लगे ऐसे मटेरियल पुअर हीट कंडक्टर्स होते हैं इसलिए इस तरह की चीज़ों को एक्सट्रीम टेम्परेचर पर गर्म करने पर भी ये टायर्स रियली में गर्म नहीं होते जिसकी वजह से ऐसे ऑब्जेक्ट्स को टच कर पाना बिल्कुल भी नुकसान नहीं देता एंड सिमिलरली ऐसे मटेरियल को स्पेसशिप में इस्तेमाल किया जाता है जो स्पेसक्राफ्ट में मौजूद ह्यूमंस एंड टेक्नोलॉजी को स्पेस के एक्सट्रीम टेम्परेचर से सेफ रखता है।
एक और रीजन जिसकी वजह से SpaceX अपनी इस बेकरी फैसिलिटी को सभी लोगों से हिडन रखना चाहती थी वो है SN20 का 50% स्ट्रक्चर इस फैसिलिटी में बने टाइल से कवर होना, जो फ्यूचर में होने वाले स्पेस एक्सप्लोरेशन के रिजल्ट को मोर देन एनीथिंग गुड टू बैड चेंज कर सकता है। सो मे बी ये भी वन ऑफ द reasons है कि क्यों इलॉन मस्क स्टारशिप से जुड़ी ऐसी चीजों को सभी से छिपा कर रखना चाहते थे। एंड सिंस SpaceX ने अपने स्पेस रिलेटेड चीजों के लिए टेक्सास में मौजूद एक कंप्लीट विलेज को परचेस कर लिया है, इसलिए काफी जल्द SpaceX मे बी अपनी इस तरह की फैसिलिटी को भी अपने स्टारबेस सिटी में शिफ्ट कर दे। एंड स्टारबेस सिटी के पास मौजूद कुछ रिपोर्टर्स ने SpaceX बेकरी के कंटेनर्स को ऑलरेडी स्टारबेस सिटी में डिलीवर होते हुए देखा है। सो मे बी इलॉन मस्क ऑलरेडी अपनी बेकरी को स्टारबेस सिटी में शिफ्ट कर चुके हैं। आपका क्या ओपिनियन है ऐसे मिस्टीरियस एंड हिडन SpaceX फैसिलिटी के बारे में? क्या बिलियनियर्स को रियली में अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट को सच में पब्लिक से छिपाकर रखना चाहिए? राइट नाउ पब्लिक से छिपाकर इस तरह की चीज़ों को डेवलप करना ही SpaceX के लिए इम्पॉर्टेंट है, एटलीस्ट तब तक के लिए जब तक स्टारशिप मार्स प्लैनेट के लिए अपनी स्पेस ट्रैवल जर्नी को शुरू ना कर दे। अगेन स्टारबेस सिटी को क्लोजली ऑब्जर्व करने वाले रिपोर्टर्स की इन फोटोज में SpaceX के बेकरी में बने टाइल्स को स्टारशिप में इंस्टॉल किया गया क्लियरली देखा जा सकता है, जिनमें से बहुत से टाइल्स को रेड कलर के टेप से कवर किया गया है। एंड ऐसा इसलिए था बिकॉज जब इन टाइल्स को SN20 में लगाने के बाद इंस्पेक्ट किया गया तो इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग SN20 में लगाए गए ये सभी रेड टेप से कवर टाइल्स ऑलरेडी खराब हो चुके थे, बट SN20 में लगाए ये ग्रीन टेप किसी भी तरह से रेड कलर का अपोजिट शो नहीं करते, बिकॉज SN20 की इंस्पेक्शन के अकॉर्डिंग ग्रीन टेप से कवर किए गए ये टायर्स इस्तेमाल के लिए तैयार नहीं हैं, बल्कि स्टारशिप में गलत जगह पर लगाए गए हैं या फिर ये टायर्स अच्छे से रॉकेट से कनेक्ट नहीं किए गए हैं। अनलिमिटेड स्टारशिप बूस्टर्स की लैंडिंग के टेस्ट के बाद नाउ SpaceX स्टारशिप की अदर इंपॉर्टेंट चीज़ों पर ध्यान दे रहा है, बट फ्यूचर में SpaceX को इस तरह की इंस्पेक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, बिकॉज बूस्टर्स की लैंडिंग को परफेक्ट करने की तरह ही SpaceX अपने स्पेसक्राफ्ट के लिए डेवलप किए जा रहे थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम को भी परफेक्ट बना लेगा। बट किसी भी न्यू चीज़ की शुरुआत में न्यू चैलेंजेस फ्यूचर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड रिसेंटली एक अमेरिकन स्पेस यूट्यूबर एवरीडे एस्ट्रोनॉट ने अपने चैनल पर इलॉन के साथ स्टारबेस सिटी का टूर करते हुए वेरियस टॉपिक्स को डिस्कस किया। एंड इस सीरीज के सेकेंड पार्ट में उन्होंने इलॉन से स्टारशिप के हीट शील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस को पूछा, जिस पर इलॉन स्टारशिप के हीट शील्ड के स्ट्रांग होने के बारे में बताते हैं और कैसे स्टारशिप का हीट शील्ड स्पेस के एक्सट्रीम टेम्परेचर को फेस करेगा। फर्स्ट लॉन्च के समय स्टारशिप का स्पेसक्राफ्ट रूम टेम्परेचर को फेस करेगा, देन सब जीरो टेम्परेचर एंड देन स्टारशिप स्पेस में मौजूद गैसेस की वजह से रूम टेम्परेचर से काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर को फेस करेगा, जिसके बाद फिर से स्टारशिप लो टेम्परेचर फेस करेगा, देन स्टारशिप को फिर से हाई टेम्परेचर का सामना करना पड़ेगा। इस तरह के टेम्परेचर चेंज की वजह से स्टारशिप के स्ट्रक्चर को लो और हाई टेम्परेचर की वजह से एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का सामना करना पड़ेगा। एंड सिंस SpaceX अपने स्टारशिप को रिसाइकिल करने के प्लान पर काम कर रहा है, इसलिए SpaceX अपने स्टारशिप को इस तरह डेवलप कर रहा है ताकि वो मल्टीपल टाइम्स ऐसे टेम्परेचर को फेस कर सके। इसलिए SpaceX के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उनका डेवलप किया जा रहा हीट शील्ड अपना रोल अच्छे से प्ले करे एंड SpaceX को ऐसे हीट शील्ड टायर्स का कम से कम मेंटेनेंस करना पड़े। राइट नाउ स्टारशिप के हीट शील्ड टायर्स मैनुअली स्पेसक्राफ्ट पर लगाए जाते हैं एंड देन इंस्पेक्ट किए जाते हैं, जिसके लिए SpaceX अपने स्पेसक्राफ्ट और हीट शील्ड को कनेक्ट करने के लिए इस तरह के रेड रोबोट्स को इस्तेमाल करता है, जो स्पेसक्राफ्ट में इस तरह के पिंस को वेल्डिंग की मदद से कनेक्ट करते हैं, जिसके बाद SpaceX के इंजीनियर्स को केवल अपनी फैसिलिटी में बनाए टायर्स को पिन से कनेक्ट करना होता है, जो अदर स्पेस एजेंसी जैसे कि नासा ओनली ग्लू को इस्तेमाल करके अपने स्पेसक्राफ्ट को हीट शीट से कनेक्ट करती थी। बट SpaceX ने नासा के इस मेथड से होने वाली कमियों को दूर किया एंड अपने स्पेसक्राफ्ट में इस तरह के हेक्सागन शेप्ड हीट शील्ड को रोबोट और ह्यूमंस की हेल्प से लगाना प्रीफर किया। इस तरह के हेक्सागन शेप स्पेसक्राफ्ट के सरफेस पर बनने वाले गैप्स की पॉसिबिलिटी को कम्प्लीटली इम्पॉसिबल बना देते हैं, जो कि इस तरह के स्क्वायर इवन किसी और शेप में सॉल्व कर पाना बहुत बड़ा चैलेंज माना जाता है। ऐसे ही रीजंस की वजह से आज वर्ल्ड में मॉडर्न इंजीनियरिंग को इतना अप्रिशिएट किया जा रहा है,
जिसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है इलॉन मस्क। इलॉन से जुड़े और भी टॉपिक्स को हमने अपने चैनल पर ऑलरेडी डिस्कस किया है, वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। शेयर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम।